माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को मेरा सलाम। मेरा नाम सैयद नूरुद्दीन है। मैं आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर का रहने वाला हूँ। चंद बातें जो मेरे मन में हैं मैं सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुँचाने की कोशिश करने के लिए मैं आज यहाँ पर बैठ के इस संदेश को भेज रहा हूँ। चाहे आप कितने ही आपके काले करतूतों के बलबूते पर बने हुए काले कानून CAA, NRC, NPR, इस देश की जनता जान चुकी है आपके दिल की मंशा क्या है, आपका इरादा क्या है। देश की जनता जान चुकी है मोदी जी और अमित शाह जी, चाहे आप कितने ही काले कानून लागू कर लीजिए, इस देश की जनता को आप मजहब के नाम पर अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब से आपने SCAB बिल को पार्लियामेंट में राज्यसभा में पास कर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके एक काले कानून को लागू करने की कोशिश की है, जब से 125 करोड़ इस देश की जनता सड़कों पर आकर आवाज लगा रही है कि मोदी जी, अमित शाह जी, इस बिल को वापस लीजिए, जब तक आप इस बिल को वापस नहीं लेंगे, इस देश का हर नागरिक, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, आवाज उठाता रहेगा, नारे लगाता रहेगा कि इस देश सबका है, इस देश में इस देशवासियों में मजहब के नाम पर कोई भी बिल को इस देश का नागरिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोदी जी, आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आपका स्टेटमेंट एक तरीके से है, गृहमंत्री मीडिया में आके कुछ और बोलते हैं। आप पब्लिक को ज्यादा दिन उल्लू नहीं बना सकते। आपको घर वापसी, आप दोनों को मैं बोल रहा हूं, आप दोनों को घर वापसी जल्द से जल्द इस देश की जनता करा दी। आप बिल वापस ले लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले लीजिए, NRC को वापस ले लीजिए, NPR को भी। चंद दिनों के बाद ये जो दो बिल है वो दो बिल वापस लेने के बाद उसके बारे में सोचेंगे, नहीं तो इस देश की जनता जान चुकी है आपका ठिकाना किधर है।